नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मेरा नाम है प्रमोद शर्मा और आप देख रहे हैं द ट्रैवल मशीन। सो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे पतली सी रेल की लाइन है ये, छोटी सी, इधर भी और उधर भी दोनों साइड की आने जाने की। और ये है एक छोटू सा रेलवे स्टेशन, नाम है इसका कांडा घाट। आप सामने देख पा रहे होंगे इसका नाम है कांडा घाट। सो ये है नैरो गेज रेलवे स्टेशन, जो कि शिमला और कालका के बीच में जो नैरो गेज ट्रेन चलती है उसका स्टेशन है। हम लोग कांडा घाट से जा रहे हैं। सो आज हम इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं इस ट्रेन के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है इस ट्रेन में ट्रैवल करना, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ऑल दो भी सीज़न स्टार्ट हुआ विंटर्स का, जब एक बार स्नोफॉल हो जाता है तो ये ट्रेन बहुत ही सुंदर होती है, अभी भी अच्छा लगता है। आप एक रेनी सीज़न में, जो बारिश वाला सीज़न होता है उसमें, और जब स्नोफॉल हो जाए उस सीज़न में, ये दो सीज़न में इस ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत ही सुंदर होता है। और ये जो सफ़र है ये आपका, चाहे आप कालका से शिमला करें या शिमला से कालका करें, आपको हमेशा यादगार रहने वाला है। स्पेशली अगर आप इन दो सीज़न में, या तो रेनी सीज़न में आप ट्रैवल कीजिए, या फिर आप जब स्नोफॉल हो जाए तब आप इसमें ट्रैवल कीजिए। सो ट्रैवल करने के लिए कैसे करना होता है, बुकिंग कहाँ से होती है, कौन सी सीट्स होती हैं, क्या अवेलेबिलिटी है, कैसे ट्रेन चलती है, कैसा अंदर से दिखती है, वो सारी चीज़ें हम इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं। सो फिलहाल हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का, एक बार ट्रेन आ जाए फिर आपको ट्रेन दिखाते हैं कैसी है, उसके बाद लास्ट में फिर हम आपको कहाँ से एक ट्रेन चलती है, कैसे चलती है और उसकी बुकिंग कहाँ से होती है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। जब तक एक बार आप स्टेशन का ओवरव्यू ले लीजिए। छोटा सा स्टेशन है, बहुत ही प्यारा है, ऐसा नहीं कि छोटा है तो साफ़ सफाई नहीं है या फिर ऐसे कुछ बना हुआ है, बहुत ही सुंदर तरीके से मेंटेन किया हुआ है। और नैरो गेज के स्टेशन ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं, बढ़िया सी लकड़ी वाली बेंच पड़ी हुई है यहाँ पर, और ये लगा हुआ है यहाँ पर ट्रेन का शेड्यूल। तो ये देखिए जी, यहाँ पर लिखा हुआ है दी स्टीम ड्रिवन ट्रेन ऑन कालका शिमला रेलवे 1903 to 2010। सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये अभी भी। तो जी आ गई है अपनी ट्रेन, बहुत ही स्लोली, और ये टोकन देके जाते हैं। ये किस लिए होता है अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रेन्स में देखा है कि पायलट जो होता है इसका, लोको पायलट, वो ऐसे ही इसको किसी को मैनुअली पकड़ के जाता है। खैर इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे सिटिंग के ही ऑप्शन है, स्लीपर कोई नहीं होता है, और हमारा स्लीप कोच आने वाला है। एक बार अंदर जाते हैं फिर आपको बताते हैं आगे का। C1231 है हमारा। तो भाई चल चुकी है हमारी ट्रेन कांडा घाट स्टेशन से, और बड़े ही प्यार से चल रही है। तो चलिए जी, शुरू हो गया है अपना खूबसूरत सा सफ़र। और ऐसे कुछ टनल्स मिलते हैं आपको, बहुत छोटे बड़े सभी तरह के मिलेंगे, लेकिन टनल से निकलते से जो नज़ारा दिखता है बहुत ही ऑसम होता है, एकदम मन खुश हो जाता है। और अगर ये स्नोफॉल होता तब तो मज़ा ही आ जाता। ऐसा कुछ है हमारा कोच जो कि नॉन एसी है, अगर आप एसी लेते हैं तो वो भी ऑप्शन है। 650 रुपये का एसी होता है और 250 रुपये का नॉन एसी, 60 रुपये का आपको नॉर्मल सेटिंग मिल जाती है। जब ट्रेन टनल में से जा रही होती है तो देखेंगे पूरा ब्लैकआउट हो जाता है, हालांकि लाइटिंग्स हैं तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। शीशे बहुत ही अच्छे हैं, आप बाहर का नज़ारा बैठे बैठे भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको बाहर आके खड़ा होना पड़े। मैं आया क्योंकि मुझे सूट करना था। सो बुकिंग कैसे करनी है, IRCTC पर जाइए, जैसे आप नॉर्मल बुकिंग करते हैं वैसे ही आपको इसकी भी बुकिंग हो जाती है। जैसे हम लोग बाकी ट्रेन्स के लिए बुक करते हैं IRCTC ऐप पर जाके, वैसे ही आप यहाँ से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक का आराम से बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैनुअल भी जा सकते हैं, बट आप प्लीज़ ऑनलाइन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार ये सीज़न का टाइम जब होता है तो फुल हो जाती है ट्रेन्स, टिकट्स नहीं मिलते हैं, तो आप ऑनलाइन करा लीजिए, ज़्यादा बेटर है। अगर आप नहीं कराना चाहते या फिर आपको मैनुअली ही जाना है तो आप स्टेशन से भी टिकट ले सकते हैं। बात करूँ ट्रेन की साफ़ सफाई की, तो वॉशरूम्स ठीक ठाक थे, मतलब स्मेल कर रहे थे हल्के से, बट यूज़ किए जा सकते थे। कोचेस ठीक ठीक से साफ थे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं बात करूं खाने पीने की, तो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। जो स्टेशन्स पड़ते हैं आपको, छोटे छोटे स्टेशन्स हैं, वहाँ पर आपको मैगी, पफ, समोसा ऐसी चीज़ें मिलेंगी, वो भी ठंडी, क्योंकि कोई गर्म करके नहीं देता है। मैगी ज़रूर आपको गर्म मिल जाएगी, बट मैगी भी उतनी टेस्टी नहीं थी, मैंने यूज़ की थी बट बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आया, थोड़ी सी कॉस्टली भी थी, क्वान्टिटी भी कम थी, तो सारी चीज़ें थी। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आप अपने साथ कुछ कैरी कर पाएँ, अगर कहीं से आप लेके कर पा रहे हैं तो। और ये है सोलन शहर, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप कार से आते तो फिर आपको ये शहर की खूबसूरती देखने को नहीं मिलती, क्योंकि आप नीचे नीचे चल रहे होते। इसके अलावा आप सोचें पानी वगैरह, तो वो भी आप साथ में कैरी कीजिए, क्योंकि ट्रेन में कोई भी वेंडर नहीं आता है कुछ बेचने के लिए, पानी या कोल्ड ड्रिंक कुछ भी इस तरह का। और जैसे ही आप देखेंगे कोई भी स्टेशन है, वहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं,
बट वो लिमिटेड ही ऑप्शन हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये था हमारा सफ़र नैरो गेज ट्रेन का, और ऐसे ही छोटे छोटे स्टेशन, छोटे छोटे से पहाड़, कुछ बड़े बड़े से पाइन ट्रीज़, उन सबको देखते हुए हम फाइनली पहुँचते हैं अपने स्टेशन पर, जो कि है हमारा कालकाजी। वहाँ से हमारी अगली ट्रेन थी, तो कालकाजी का स्टेशन बड़ा है, उसकी डिटेल हम आपको कालकाजी पहुँच के देते हैं। तो जी ये था हमारा कांडा घाट से और कालकाजी तक का सफ़र। हालांकि आपको अगर करना है तो शिमला तक कीजिए, कांडा घाट से पहले आपको स्नो मिलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। ऊपर अगर आप जाएंगे शिमला की तरफ तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि स्नो मिलेगी, और असली मज़ा इसका स्नो में ही है। या तो आप मानसून में आइए जहाँ पर आपको पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी मिलेगी, बहुत ही बढ़िया लगता है आपको, और या फिर आप आइए स्नो टाइम पर जहाँ पर आपको पूरा वाइट हो जाएगा, पूरे स्नो स्नो मिलेगी, तो वो आपको बढ़िया सीज़न मिलेगा। और ट्रैवल कीजिए आप शिमला तक, भले ही आपको रास्ते से करना पड़े, रास्ते से मतलब कि रास्ते के किसी स्टेशन से, आप कांडा घाट से भी टिकट ले सकते हैं, आप सोलन से भी ले सकते हैं, या रास्ते के किसी और छोटे स्टेशन से, बट शिमला की तरफ जाइए या शिमला से आइए रास्ते तक, तभी आपको बढ़िया मज़ा आएगा। फिलहाल हम पहुंच गए अपने स्टेशन पर और आगे बात करते हैं अब उतर के। ओके गाइस, तो पहुंच गए भाई कालका स्टेशन पर, और बड़ा स्टेशन है एक्चुअली, ये नैरो गेज टाइप का नहीं है। यहाँ से देख सकते हैं आपको बड़ी जो ट्रेन्स होती हैं वो भी मिल जाती हैं। सो यहाँ से आपको लंबी दूरी वाली ट्रेन्स हैं जो दिल्ली वगैरह के लिए, वो मिल जाएंगी आपको 100%। सो नैरो गेज का इस साइड है, और बाकी जो मेन स्टेशन है ये भी नैरो गेज का है। इसके बाद वाले जो हैं वो आपके फिर जो बाकी ट्रेन्स होती हैं नॉर्मल वाली, उनके लिए है। तो ये था मेरा नैरो गेज ट्रेन का एक्सपीरियंस, और सोचा आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये वाला ट्रेन का सफ़र बहुत ही मस्त होता है। उम्मीद है आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।